इस तरह का ये डिजाइन पैटर्न है, बनाने में बहुत ही ज्यादा सिंपल है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ये बटरफ्लाई की तरह डिजाइन पैटर्न, जो कि जेंट्स का डिजाइन था, और आज मैं फिर से जेंट्स स्वेटर का ही डिजाइन लेके आई हूँ, जो कि इस तरह से पैरामिड की तरह दिखता है, ट्रायंगल की शेप में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप इसको व्हाइट कलर की स्वेटर में डालते हो तो बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा व्हाइट कलर में भी आपको दिखाने के लिए बनाया है, ताकि आप देख सको, बहुत सुंदर ये व्हाइट कलर में भी लगता है। इसके अलावा मैंने ये नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्री वाला पैटर्न आपके लिए शेयर करूंगी आपके साथ, और ये वाला भी मैंने शेयर किया। इसके अलावा भी बहुत सारे खूबसूरत से पैटर्न मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप जाकर के देख सकते हो। चैनल पे जाने के लिए आप चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा, और नेक्स्ट ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो पहला फंदा मैंने यहाँ पे ऐसे ही उतार लिया है। इसके बाद अब हमें 1, 2, 3 इसके बाद आपको 10 फंदे यहाँ पे सीधे बुन लेने हैं। मेरे पास यहाँ कम बच जाते हैं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, इस तरह से आप देख सकते हो, जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था 10 फंदे मैंने यहाँ के लिए बुने थे, और 10 ही फंदे इस साइड को बुनने होते हैं। तो जब आप पैटर्न में ऊपर पहुंच जाते हो, जब मैंने ये एक एक मेरा ट्राइंगल बन गया, तो उसके बाद अब डिजाइन शिफ्ट हो जाता है। कई बार आप लोगों को दिक्कत आती है कि आगे किस तरह से करना है, तो वो चीज आप देख लीजिए। जब हम स्टार्टिंग में, तो आपको 10 फंदे बुन लेने हैं। 10 फंदे बुन लेने के बाद, जैसे यहाँ पे मेरे 10 फंदे जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो रो फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे जब मैंने 10 फंदे बुन लेने हैं, तो इसके बाद धागा आगे की तरफ करना है, और फिर एक फंदा हमने इस तरह से उल्टा बुन लेना है। फिर नेक्स्ट हमने इसको अभी छोड़ना नहीं है, जो नेक्स्ट वाला फंदा है उसे भी इस तरह से छोड़ना नहीं है। ये देखिए आप, फिर इसको इस तरह से फिर से इसको बुन लेना है। अब इसे भी इस तरह से निकाल लीजिए। अब दोनों फंदों को एक साथ छोड़ दीजिए। तो इस तरह से अब ये हमारा 10 फंदे बुनने के बाद हम इन दो फंदों पे इस तरह से करेंगे, उल्टा बुनेंगे इनको। फिर दोबारा से हमें 10 फंदे सीधे बुन लेने होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब 10 फंदे बुन लेने के बाद दोबारा से हमें धागे को आगे की तरफ को कर लेना है, और फिर इन दो फंदों को उल्टा बुनना है। और यहाँ पे जब आप इस तरह से पैटर्न आपका ये तैयार हुआ, तो यहाँ पे आपके इस तरह से यहाँ पे ये 10 फंदे फिर से, जैसे आप यहाँ को जो आपके आपने बुने हुए हैं, वो आगे को शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब उन पे ये पैटर्न बन जाता है। तो फिर ये 10 फंदे बुनने के बाद नेक्स्ट आपके पास ये दो फंदे इस तरह से बच जाते हैं, तो इनके ऊपर आपको पैटर्न चालू करना होता है। फिर 10 ये ऑटोमेटिकली आपकी इस तरफ को भी बन जाते हैं। तो 10 फंदे मैंने इस तरह से बुन लिए, उसके बाद धागे को आगे की तरफ करके एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा उल्टा बना, छोड़ना नहीं है, दूसरा भी उल्टा ही बुनना है, फिर छोड़ना है एक साथ। फिर दोबारा धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे, और 10 फंदे हम सीधे ही बुन लेंगे इस तरह से। स्टार्टिंग में तो आपको काउंट करने होंगे, बाकी बाद में तो आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि आपके उतने ही फंदे बच जाते हैं। तो इस तरह से जब 10 फंदे आपने बुन लिए, तो आगे ये दो ही मेरे बच जाते हैं। तो अब इनको फिर से मैंने उल्टा बुनना है इस तरह से, इस तरीके से। अब फिर से 10 फंदे सीधे, बस यही आपको रो वन में करना है। 10 फंदे हम इधर को बुनेंगे, 10 इधर, और ये दो फंदों पे मैंने ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला फंदा, ये हमारा आएगा। फिर नेक्स्ट रो हमारी उल्टी रो रहती है। नेक्स्ट अब हमारी उल्टी रो है। उल्टी रो में आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा ये है उल्टा एज इट इज वैसे ही बुन लेना है। आप मेरे साथ बनाते जाइए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं तो कहती हूँ आपको एक ही रो में पता चल जाएगा, आपको नेक्स्ट रोज भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देख लीजिए एक बार, मैं बता देती हूँ फिर आगे क्या करना है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। और बाकी फिर जब स्टार्ट करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नेक्स्ट ब्यूटीफुल पैटर्न का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और मैं बहुत ही प्यारे प्यारे पैटर्न नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से उल्टी रो में कुछ नहीं है, तो मैं इसको उल्टा बुन लेती हूँ।
नेक्स्ट अब आ जाती है हमारी रो नंबर थर्ड। और रो नंबर थर्ड में अब क्या होगा कि ये वाले फंदे, ये देखिए आप इस तरह से यहाँ से ये डिक्रीज होते जाएंगे और ये यहाँ को ये बढ़ते जाएंगे, मतलब ये वाला पैटर्न हमारा बनता जाएगा और यहाँ पे फिर ये कम होते जाएंगे। जैसे आपने पहली रो में ये अपने 10 फंदे बुने होंगे इस इधर को, तो आगे तो इस तरह से फिर आपने 9 फंदे बुन लेने हैं। मेरे पैटर्न में यहाँ कम बच गए हैं तो मैं यहाँ पे इतने ही बुन रही हूँ। फिर आपको दिखाई देगा जो आपने बुना हुआ था इस तरह से उल्टा फंदा, उसके साथ वाला जो फंदा है 9 फंदे बुनने के बाद जब ये आपको इस तरह से दिखाई देगा तो आपने अब धागा फिर से आगे की तरफ कर लेना है और इसको उल्टा बुनना है और फिर से 2 फंदे ही आपको उल्टे बुनने हैं। फिर इनको एक साथ आप इस तरह से ड्रॉप करोगे। फिर जो अब क्या करना है, अब जो ये आगे वाला है इसको भी, क्योंकि अब हमें ये यहाँ से आप देख सकते हो मैंने ज्यादा फंदे इसलिए यूज किए हैं यहाँ पे ताकि आपको पैटर्न का अच्छे से पता चल सके कि ये किस तरह से आगे को मूव करना है और मैं आपको दिखा भी सकूं साथ साथ में। तो यहाँ पे अब हमने ये 2 फंदों का इस तरह से क्रिएट हुआ था, अब यहाँ पे अब ये 2 क्रिएट हो जाएंगे, इस तरह से ये इंक्रीज होते जाएंगे। 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 5, 5 होने के बाद फिर दोबारा से हमारा पैटर्न दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इस तरह से फिर हमारे 2 फंदे बीच में, इस पैटर्न के 2 बीच में बच जाते हैं, तो वहां से हमें रो 1 की तरह स्टार्ट करना होता है। तो इस तरह से ये 2 बुन लिए मैंने, अब दोबारा से 2 बुनने हैं। तो 1 ये बुना और 1 ये बुना, इस तरह से 2 मैंने बुन लिए, अब इनको छोड़ दिया और दोबारा अब फिर से जितने यहाँ को बुने हैं फंदे, अब यहाँ को कम हो जाएंगे क्योंकि अब हमने 2 पर पे यहाँ पे भी तो बुना, तो यहाँ पे अब हमारे कितने फंदे हो जाते हैं देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब हमें यहाँ को 8 ही फंदे बुनने हैं। यहाँ पे इसलिए बुना क्योंकि ये तो यहाँ पे आ गया और अब एक फंदा हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो अब बच जाते हैं हमारे 8 फंदे और 8 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब मैंने दोबारा से, ये आपको खुद ही अंदाजा होता जाएगा जो हमने बुना हुआ फंदा है उसके साथ वाला फंदा, वो जो बिना बुना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा उसको बुनेंगे और एक नेक्स्ट वाला 2 फंदे हम इस तरह से बुनेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे इस तरह से 1 और इसके बाद ये 2, इस तरह से 2 फंदे फिर से बुनेंगे, फिर छोड़ देंगे और फिर से धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे और फिर नेक्स्ट फिर से हम उतने, फिर दोबारा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब ये 8 ही फंदे अब हमारे यहाँ को आएंगे, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी 8 ही आएंगे क्योंकि 4 फंदे तो अब हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हमने 10 और यहाँ पे 10, 20 और 2 ये बीच में लाए होते हैं, तो अब ये यहाँ के फंदे कम होकर के यहाँ को इंक्रीज होते जाएंगे। तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पे फिर से आपने वही वाला पैटर्न रिपीट करते जाना है। अब आपको समझ आ गया होगा, तो अब मैं नहीं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट हमारी उल्टी रो है, तो उल्टी रो में भी अब हमें कुछ नहीं करना है, उल्टी रो में सारे ही फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। चाहे यहाँ पे किसी भी फंदे को आपने सीधा नहीं बुनना है, चाहे से ये हैं ये भी उल्टे ही रहेंगे, उल्टी रो में हमने सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है। नेक्स्ट हमारी ये 5th रो है, 5th रो में अब हमें क्या करना है, तो ये तो मेरा पैटर्न अब यहाँ से खत्म होता जाएगा, तो यहाँ से ये चालू हालत में है तो इसे देखते हैं अब आपको कितने फंदे बुनने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो अब ये 2 के मल्टीपल में ये फंदे हमारे चलते जाते हैं, पहले 10 थे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 6, फिर 4, फिर 2। तो इस तरीके से फिर हमें ये पैटर्न आगे को चलाना होता है। तो अब देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा, अभी हमने 2 यहाँ पे पहले 2 फंदों पे ये पैटर्न किया था, फिर यहाँ पे 4 पे, अब दोबारा 6 पे करेंगे, फिर 8 पे करेंगे, फिर 10 पे हो जाएगा, फिर 10 करने के बाद दोबारा से हमारा रो 1 की तरह चल पड़ेगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि अब क्या करना है। तो इस तरह से अब 2, 2 इस तरह से ये 2 जो, फिर ये बीच वाले 2 उल्टे बुने उनको छोड़ दिया एक साथ, अब ये यहाँ पे ये जो बुना हुआ है इसके साथ वाला ये, तो ये इस तरह से अब हमें 3, अब हमें ये
पहले एक था दो फंदों का, मतलब ये एक इस तरह से दिखाई दे रहा है, अब ये फोर फंदों पे अप्लाई किया, अब ये यहाँ पे ये बुन के सिक्स फंदों पे हमने अप्लाई किया। नेक्स्ट में अब ये इस तरह से ये फोर दिखाई देंगे और ये एट फंदे होंगे, फिर ये टेन फंदे होंगे, फाइव, इस तरह से अब ये चलते जाना है। अब आपको समझ आ ही गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस तरह का ये डिजाइन पैटर्न है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप इसको किसी व्हाइट कलर के प्रोजेक्ट में डालते हो तो बहुत खूबसूरत ये लगेगा। जेंट्स स्वेटर का ये डिजाइन है।